डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड से क्या मुराद है और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। आज हम इसका बाकायदा एक सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप एयर देखेंगे 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपके सामने है, आमिर केमिकल्स has four departments A, B, C और D। देखिए चार डिपार्टमेंट है कंपनी के पास। A एंड B आर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स वाइल C एंड D आर सर्विस डिपार्टमेंट्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक फैक्ट्री में दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसिंग और सर्विस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर वो आपको यही बता रहे हैं कि A और B कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये दोनों प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स हैं, और C और D कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। फॉलोइंग एक्चुअल कॉस्ट वर इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। आपके जो खर्चे हुए दोनों डिपार्टमेंट्स में उनकी डिटेल कुछ इस तरीके से है। भाई देखिए, बहुत ध्यान से इस टेबल को समझिएगा क्योंकि पूरा राज आपके इसी टेबल में। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले लेफ्ट पे देखिएगा, मैं आपको पहले ये खर्चे बता दूं। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, ए और बी। डिपार्टमेंट ए में जो खर्चा आया, टोटल खर्चा, वो कितना खर्चा आया, 3,60,000 रुपए का खर्चा आया। डिपार्टमेंट बी का जो खर्चा आया, वो कितना खर्चा आया, 4,80,000 रुपए का खर्चा आया डिपार्टमेंट बी में। इसके अलावा दो सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से, सी और डी। डिपार्टमेंट सी में जो टोटल खर्चा आया, वो कितने का खर्चा आया, 2,17,800 रुपए का, जबकि डिपार्टमेंट डी का जो खर्चा आया, वो कितना आया, 1,20,000 रुपए का। इस हिसाब से चारों डिपार्टमेंट्स का टोटल खर्चा कितना बनता है, 11,77,800 रुपए का। ये तो हो गए खर्चों की बात, इसको कर दीजिए साइड पे। अब जो जरूरी पॉइंट है वो समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अगले कॉलम में सर्विस प्रोवाइडेड बाय सी, यानी सी डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किस किस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जरा वो देखिएगा, उस पॉइंट को जरा समझिएगा। सी डिपार्टमेंट 40% अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये 40% किसके आगे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ए के आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सी डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ए को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है कितनी परसेंट, 40%। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है 40%, ये भी किसके आगे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट बी के आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब सी डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट बी को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और कितने परसेंट प्रोवाइड कर रहा है, 40% इसे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा सी डैश डाला हुआ है, देखिए डैश कौन से डिपार्टमेंट के आगे डाला हुआ है, सी डिपार्टमेंट के आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट सी अपने ही डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो अपने डिपार्टमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, ये लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट सी 20% सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डिपार्टमेंट डी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट सी ए को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बी को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और डिपार्टमेंट डी को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टोटल करें तो कितना बन जाएगा, ये 100% बन जाएगा। अब आते हैं डिपार्टमेंट डी पर। डिपार्टमेंट डी सर्विस किस किस को प्रोवाइड करता है, डिपार्टमेंट डी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 20% डिपार्टमेंट ए को, यानी डिपार्टमेंट डी 20% सर्विस कौन से डिपार्टमेंट को देगा, डिपार्टमेंट ए को। 30% कौन से डिपार्टमेंट को सर्विस देगा, ये डिपार्टमेंट बी को। और 50% कौन से डिपार्टमेंट को सर्विस देगा, ये डिपार्टमेंट सी को सर्विस देगा। तो ये कितने हो गए, 20+30+50, ये हो गए 100%। तो डिपार्टमेंट डी अपने आप को कोई सर्विस नहीं दे रहा, इसीलिए देखिए इसी डिपार्टमेंट के आगे डैश चला हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट सी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, ध्यान में रखिएगा, ए बी और डी को। डिपार्टमेंट डी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, ए बी और सी को सर्विस दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड। आपको सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड, यानी जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, सी और डी, आपको इनके खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि हमें इसे प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आगे लिखा हुआ है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड से क्या मुराद है, हालांकि मैं आपको पिछले लेक्चर में ये बात बता चुका हूँ, अभी मैं आपको दोबारा ये बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने खर्चों की लिस्ट एक बार यहाँ पर दोबारा से लिख दी। डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट मौजूद हैं। सी डिपार्टमेंट किस किस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और डी डिपार्टमेंट किस किस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखिए मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के डब्बे बना रहा हूँ। यह डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ये चार डिपार्टमेंट्स है। देखिए सी डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डिपार्टमेंट ए को। तो सी डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ए को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कितने परसेंट, 40%। इसके अलावा सी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बी को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देखिए सी डिपार्टमेंट वाला कॉलम देखिएगा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट सी, मैं इस कॉलम के अंदर हूं अभी, ठीक है। 40% ये सर्विस दे रहा था कौन से डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ए को। डिपार्टमेंट ए के आगे लिखा हुआ 40%, इसका मतलब ये डिपार्टमेंट ए को 40% सर्विस दे रहा है। इसके अलावा 40% लिखा हुआ है डिपार्टमेंट बी के आगे, यानी ये 40% सर्विस किसको देगा, डिपार्टमेंट बी को भी देगा। इसके
अलावा लिखा हुआ था कि 20% सर्विस और देगा, किसको देगा, डिपार्टमेंट डी को। 20% कौन से डिपार्टमेंट के आगे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट डी के आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सी डिपार्टमेंट जो है वो 20% अपनी सर्विस देगा, किसको देगा, डिपार्टमेंट डी को, यानी डिपार्टमेंट डी को भी इसकी सर्विस जाएगी। तो ये हो गया डिपार्टमेंट सी की सूरत हाल के तीन डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विस दे रहा है। अब आते हैं डिपार्टमेंट डी को, डिपार्टमेंट डी किस किस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो देखिए लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट डी 20%। 20% किसको दे रहा है, ये डिपार्टमेंट ए को दे रहा है। तो ये अपनी 20% सर्विस देगा डिपार्टमेंट ए को। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है 30%। 30% किसके आगे लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट बी के। तो यानी ये 30% सर्विस किसको देगा, डिपार्टमेंट बी को देगा। और फिर 50% लिखा हुआ है। 50% किस डिपार्टमेंट के आगे लिखा हुआ है, 50% लिखा हुआ है डिपार्टमेंट सी के आगे, यानी ये डिपार्टमेंट सी को भी अपनी सर्विस देगा। कितने परसेंट देगा, 50% देगा। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें, यानी जो ये शक्ल मैंने अभी बनाई है, डायग्राम सी मैंने अगर बनाई है, इस डायग्राम को अगर आप याद करें, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात कही थी कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करे और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट वापस पहले सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, यानी दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को अपनी सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, ये रेसिप्रोकल मेथड कहलाता है। यानी इस वक्त जो सवाल की सूरत हाल है, उस सूरत हाल देखकर ये लगता है कि ये कौन सा मेथड है, ये रेसिप्रोकल मेथड है। तो अगर नीचे कोई मेथड मेंशन ना हो, तो आप सवाल की सूरत हाल देखकर पहचानेंगे, सवाल की सूरत हाल देखकर हमने पहचाना कि सी डिपार्टमेंट जो है वो डी को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और डी डिपार्टमेंट वापस सी डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा मेथड बनता है, सर ये रेसिप्रोकल मेथड बनता है। लेकिन सर आपने तो कहा ये रेसिप्रोकल मेथड बनता है, सवाल में लिखा हुआ है कि हमें इसे डायरेक्ट मेथड से करना है। तो अब जरा समझिएगा कि वो आपके सवाल को चेंज करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बेशक यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये रेसिप्रोकल मेथड है, ये सवाल बिल्कुल रेसिप्रोकल मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए था अगर नीचे कोई मेथड मेंशन नहीं होता, लेकिन हम एक ट्विस्ट चाह रहे हैं। वो ट्विस्ट हम ये चाह रहे हैं कि आप इसी सवाल को रेसिप्रोकल के बजाय कौन से मेथड से कर लीजिए, आप इसे डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए। तो अगर मुझे इसी सवाल को डायरेक्ट मेथड से करना पड़ जाए तो क्या होगा, जरा मेरी वो बात समझ लीजिएगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रखता, यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। यानी सी का डी से कोई ताल्लुक नहीं, डी का सी से कोई ताल्लुक नहीं। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि सी डिपार्टमेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट डी को, कितने परसेंट, 20%। अब जब हम इसे डायरेक्ट मेथड में शामिल करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड में ये वाली सर्विसेज क्या हो जाएंगी, अब खत्म हो जाएंगी। तो जो एरो देखिए सी से डी की तरफ आ रहा है, ऑरेंज कलर का एरो जो सी डिपार्टमेंट से डी डिपार्टमेंट की तरफ आ रहा है, यानी सी डिपार्टमेंट जो अपनी सर्विसेज डी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर रहा था, अब डायरेक्ट मेथड में सी डिपार्टमेंट डी डिपार्टमेंट को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी ये सर्विस क्या हो जाएगी, अब खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से डिपार्टमेंट डी अपनी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा था डिपार्टमेंट सी को, कितने परसेंट प्रोवाइड कर रहा था, 50%। ये रेसिप्रोकल मेथड में था, लेकिन जब हम इसे डायरेक्ट मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो डिपार्टमेंट सी का भी डिपार्टमेंट डी का डिपार्टमेंट सी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट डी अब डिपार्टमेंट सी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, इन लोग के ताल्लुकात अब क्या हो गए, खराब हो गए। जब ताल्लुकात खराब होगा तो डिपार्टमेंट डी कहेगा कि मैं अब डिपार्टमेंट सी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा। जब सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो फिर इसका खर्चा भी यहां से वहां नहीं जाएगा। तो अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई कि डिपार्टमेंट सी सिर्फ डिपार्टमेंट ए को सर्विस प्रोवाइड करेगा और डिपार्टमेंट बी को सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से डिपार्टमेंट डी भी, डिपार्टमेंट डी किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, ए को सर्विस प्रोवाइड करेगा और डिपार्टमेंट बी को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स आपस में कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट मेथड की सूरत हाल कैसी है, मैं आपके सामने वो सी डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सी किस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा, डिपार्टमेंट ए को सर्विस प्रोवाइड करेगा। सवाल ये है कि डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट ए को कितने परसेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट ए को 40% सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट बी को भी सर्विस प्रोवाइड करेगा और कितने परसेंट प्रोवाइड करेगा, 40% प्रोवाइड करेगा। अब देखिए जो आपका 100% बनता है वो 100% कैसे बनता है, कि 40%
40% और 20%, लेकिन अब वो बीच में से वो 20% हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब सिर्फ कितना रह गया, 40 और 40 रह गया। इस बात को जहन में रखिएगा कि सिर्फ 40 है और सिर्फ 40 है, टोटल अगर इसका सम करो तो ये कितना बनता है, 80 बनता है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट डी भी किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, ए को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ए को कितने परसेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये 20% प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से डिपार्टमेंट डी जो है डिपार्टमेंट बी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा कितने परसेंट, 30% प्रोवाइड करेगा। यानी आपस में ये दोनों एक दूसरे को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो 20% और 30% दोनों मिला लो तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 50% हो जाता है। तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा। आइए जरा इसी कैलकुलेशन देखते हैं, हम इसी कैलकुलेशन किस तरीके से अंजाम देंगे। ये एक अजीब सी सूरत हाल मैंने आपके सामने जाहिर कर दी है। देखिए, एक कॉलम जो नीचे है बेसिकली ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन शीट कहलाती है। उन्होंने आपसे सवाल में यही कहा कि आपको फैक्ट्री वाइड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस तरीके की एक शीट बनाते हैं। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखा आमिर केमिकल, फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, हम फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने की शीट बना रहे हैं। एक कॉलम में आपने लिखा पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में आप लिखते हैं टोटल, तीसरे कॉलम में आप लिखते हैं जो भी आपके प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट होंगे। अब जितने प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, जितने होंगे आप उतने कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। सवाल के मुताबिक दो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट थे तो हमने दो कॉलम बनाए ए और बी का। इसके बाद हमने सर्विस डिपार्टमेंट कॉलम बनाए, दो सर्विस डिपार्टमेंट थे सी और डी, हमने उनके नाम लिख दिए यहाँ पर सी और डी। अब काम क्या करना है जरा देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड बिफोर एलोकेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो फैक्ट्री ओवरहेड था आपको वो बिल्कुल वैसे लिख देना। तो टोटल खर्चा कितना था हमारे पास, 11,77,800। डिपार्टमेंट ए का खर्चा कितना था, 3,60,000। डिपार्टमेंट बी का खर्चा कितना था, 4,80,000। डिपार्टमेंट सी का खर्चा कितना था, 2,17,800। और डिपार्टमेंट डी का खर्चा कितना था, 1,20,000। ये खर्चा मैंने कहाँ से देखकर लिखा, ये खर्चा आपके सवाल में मौजूद है। फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी खर्चा होगा सारे डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हो चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो, नॉर्मली ये खर्चा आपके सवाल में दे दिया जाता है। अब जो खर्चा हमें दिया गया, हमें क्या करना है, हमें ये खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है डिपार्टमेंट्स में। तो आप यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, हम फैक्ट्री ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा हम कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। हमें दो सर्विस डिपार्टमेंट दिए गए हैं सी और डी। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं उन्हें हमें सर्विस डिपार्टमेंट से निकाल कर कौन से डिपार्टमेंट में शामिल करना है, हमें उसे प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में शामिल करना है, एक एक करके, एक साथ नहीं एक एक करके। पहले बात करते हैं हम डिपार्टमेंट सी की। तो देखिए मैंने ऊपर हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ, नहीं बहुत सारे ऑफ होगा, तीन ऑफ पहले हो चुका है, डिपार्टमेंट सी। यानी हम डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। आइए जरा समझ लेते हैं किस तरह से हम इसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिपार्टमेंट सी कौन कौन से डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा था, सिर्फ ए को और बी को। हालांकि ये डी को भी सर्विस दे रहा था, लेकिन उन्होंने सवाल में कहा कि डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड में इसका डी से रابطہ खत्म हो गया। अब ये सिर्फ ए को और बी को अपनी सर्विस देगा। ए को कितने परसेंट दे रहा था, ये ए को दे रहा था ये 40%, और बी को भी कितने परसेंट दे रहा था, बी को भी दे रहा था 40%। तो इसकी कैलकुलेशन जरा समझिएगा, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ए को जब आप इसकी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी का खर्चा कितना है, देखिए आपका काम क्या है कि जो सी का खर्चा है, सी का खर्चा कितना है, 2,17,800 रुपए, इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में। भाई देखिए मेरी मिसाल को, अब मेरी कहानी को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास दो टीचर्स हैं, सपोज एक आपको पढ़ा रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग और एक आपको पढ़ा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। पूरे साल आपने दोनों टीचर से पढ़ा, दोनों टीचर्स ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, आपको बहुत अच्छा समझ में आया। जब साल खत्म होने लगा तो आपने टीचर से कहा कि सर हम लोग चाहते हैं कि हम जो है वो आपको जो है वो एक ट्रीट दे दें, क्योंकि आप लोगों ने हमें पूरे साल बहुत अच्छा पढ़ाया, तो इस खुशी में हम आप लोगों को जो है वो ट्रीट देना चाह रहे हैं। तो टीचर्स ने कहा, अच्छा आपने दोनों टीचर्स को ये बात अलग अलग बोली, अलग अलग मैसेज करके बोली, एक साथ दोनों के सामने नहीं बोली, आपने दोनों टीचर्स को ये बात अलग अलग करके बोली। पहले आपने एक टीचर को बोली, फॉर एग्जाम्पल पहले ये बात आपने कॉस्ट अकाउंटिंग वाले टीचर को बोली, सी का मतलब यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले टीचर को आपने ये बात बोली। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले टीचर ने बोला ठीक है मैं राजी हूँ चलने के लिए, मुझे भी लेके चलें। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो ए लिखा है, ए का मतलब समझ लीजिए आप लोग गर्ल्स, और बी का मतलब समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर बॉयज। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों ने मिलकर अपने कॉस्ट, सी का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग वाले टीचर को एक ट्रीट दी। अच्छा ट्रीट का मकसद ये था, अच्छा ये बात आपस में उन्होंने कही भी थी कि सर ये जो ट्रीट है हम लोग ये कॉन्ट्रीब्यूट करके जो है वो ट्रीट देना चाह रहे हैं। अब सर के जहन में क्या आया कि आपने जब कहा कंट्रीब्यूट करके ट्रीट देना चाह रहे हैं, तो सर ने कंट्रीब्यूट को छोड़कर ट्रीट पे फोकस किया कि मुझे तो ट्रीट मिल रही है, ट्रीट का मतलब क्या होता है, क्या मैं जाऊंगा आप लोग मुझे दावत देंगे और मैं घर आ जाऊंगा।
जब वहां पे खाना खाने बैठे तो सपोज खाने का बिल आया, अब यहाँ पे जो अमाउंट लिखा है इसको फिलहाल इग्नोर कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, खाने का जो बिल आया वो बिल आया है सपोज कर लीजिए आपका 6000 रुपए का, खाने का बिल आया कितना 6000 रुपए का। अच्छा आप लोगों ने गर्ल्स और बॉयज ने आपस में पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम जो है वो आपस में जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो भी बिल आएगा उसमें से 40% खर्चा जो है वो गर्ल्स बर्दाश्त करेंगी, 40% खर्चा जो है वो बॉयज बर्दाश्त करेंगे, और बाकी 20% खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, बाकी 20% खर्चा हम सर है सर से हम पूरा नहीं लेंगे, हम खर्चा से सिर्फ 20% ले लेंगे, तो बाकी 20% खर्चा हम सर से ले लेंगे। लेकिन जैसे ही बिल आया, बिल आने आने आते ही सर ने क्या कहा, अच्छा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के, आप लोगों ने मुझे जो है वो ट्रीट दी, मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगा, आप लोग मेरे बैच के सबसे अच्छे स्टूडेंट थे, मेरे तमाम सालों के बैच में ये बैच सबसे अच्छा था, आप सर ने बहुत मस्का लगाया आपको और कहा कि अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, अल्लाह हाफिज़। सर ये कहकर बिल देखे बिना ही वहाँ से 9-11 हो गए। तो अब आप लोग बॉयज और गर्ल्स आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए कि भाई सर ने तो ये हमारे साथ धोखा कर दिया, क्योंकि सर को इस बात का इल्म ही नहीं था कि आपने उनको भी कंट्रीब्यूशन में शामिल किया था, तो सर जो है वो चले गए। अब जो बिल आया 6000 रुपए, वो बिल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी सर के हिस्से का, आप तो अपने हिस्से का तो बर्दाश्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो सर के हिस्से का बिल आया, जो भी बिल बचता है, अब वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जाहिर सी बात है वो भी गर्ल्स और बॉयज आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो वो पहले से बिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 40-40%, वैसे ही जो सर का रिमेनिंग बिल था वो भी उस बिल को अपने 40% 40% रेशियो के मुताबिक क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर ये कहानी हुई कि सर उठकर चले गए, बॉयज और गर्ल्स ने अपना अपना बिल तो दिया ही दिया, इसके अलावा जो सर का बिल था, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सर का बिल था, उस बिल में से भी 40% बिल जो है वो गर्ल्स ने दिया और 40% बिल जो है वो बॉयज ने दिया। तो यहां पर भी हम यही करने जा रहे हैं कि ये 217,800 रुपए सपोज ये सर का बिल है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सर का बिल है, हम इस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट किस में कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ए में, यानी गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गर्ल्स का रेशियो कितना था 40, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किससे किया, 40 से मल्टीप्लाई किया। अब एक प्रॉब्लम है आपके जहन में, एक बात होगी सर 40% था तो आप डिवाइड किससे करते, इसे 100 से डिवाइड करते, 100 से मैं उस वक्त डिवाइड करता जब पूरा 100% होता। पूरा 100% कैसे बनता, डिपार्टमेंट ए का 40%, डिपार्टमेंट बी का 40% और डिपार्टमेंट डी का 20%, सब मिलाकर कितना होता 100%। लेकिन हमने बीच में से डिपार्टमेंट डी को तो हटा ही दिया, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट डी में इसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना, सवाल के मुताबिक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब यह है कि सी का खर्चा सिर्फ ए में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिपार्टमेंट डी में इसका कोई खर्चा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, तो बीच में से 20% क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब 40% और 40%, अब वो परसेंटेज पूरा 100% नहीं बन रहा, तो अब ये परसेंटेज भी नहीं रहा, अब ये बेसिकली रेशियो बन गया है 40 और 40, तो 40 40 को अगर टोटल करूं तो ये कितना बन जाएगा, ये 80। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 80 से डिवाइड करता हूँ। तो गर्ल्स के हिस्से का खर्चा कितना बनता है, 108,900 रुपए। इसी तरीके से आप बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं डिपार्टमेंट बी में, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सर का टोटल खर्चा कितना था, 217,800 रुपए, बॉयज में भी इसी बराबर रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी बॉयज का रेशियो भी कितना था 40%, तो मल्टीप्लाई बाय 40 और डिवाइड बाय 80 से डिवाइड किया, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितनी बन रही है इस वक्त, 80% बन रही है, पूरी 100% यहां पर नहीं बन रही। तो बॉयज के समय भी कितना आता है, 108,900 रुपए। तो गर्ल्स और बॉयज बराबर बराबर इनका खर्चा बर्दाश्त करेंगे। आइए जरा नीचे देखिएगा, अब मैं इस पूरी कैलकुलेशन का जो समअप है वो नीचे लिखने जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट सी का खर्चा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सर का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कौन कौन बर्दाश्त करेगा, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, यानी गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स कितना खर्चा बर्दाश्त करेंगे, यानी डिपार्टमेंट ए कितना खर्चा बर्दाश्त करेगा, 108,900 रुपए, तो 108,900 रुपए गर्ल्स के हिस्से में खर्चा आ गया। इसी तरीके से बॉयज कितना खर्चा बर्दाश्त करेंगे, बॉयज भी 108,900 रुपए खर्चा बर्दाश्त करेंगे, ये बॉयज के हिस्से का खर्चा आ गया। अब सर के हिस्से का, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सर का जो खर्चा था, यानी डिपार्टमेंट सी का जो खर्चा था, वो कितना था, 217,800 रुपए खर्चा था। जब डिपार्टमेंट सी ने अपना खर्चा निकाल कर डिपार्टमेंट ए और बी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या अब डिपार्टमेंट सी पर किसी किस्म का कोई खर्चा बचता है या नहीं बचता, तो इसका जवाब है नहीं, कि जब उसका खर्चा हमने बाकी डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब डिपार्टमेंट सी में कोई खर्चा नहीं बचता। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जब सर का खर्चा आप बर्दाश्त कर लेंगे तो सर के ऊपर अब कोई खर्चा नहीं बचेगा, बस दिल में गालियां बचेंगे, बुराइयां बचेंगे, सर बड़े अजीब से आदमी थे कि खाने में बिला वजह छोड़ के चले गए हमें बीच रास्ते में, तो बस ये दिल में थोड़ी सी बुराई बचेगी लेकिन बिल कोई नहीं बचेगा उनका। बहरहाल तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट सी का जो खर्चा था वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए और बी ने बर्दाश्त कर लिया, तो डिपार्टमेंट सी से वो खर्चा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खर्चा अगर खत्म हो जाएगा तो खर्चा खत्म करने के लिए आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 217,800 रुपये। और डिपार्टमेंट डी में इसका कोई खर्चा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंट सी का डिपार्टमेंट डी से कोई ताल्लुक नहीं बनता। सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि सी का डी से कोई कनेक्शन नहीं है। बेशक सवाल में लिखा हुआ था कि सी जो है वो डी को 20% सर्विस प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो पहले की बात थी। फिर बीच में इनके ताल्लुकात खराब हो गए, तो सी ने कहा कि अब मैं तुम्हें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो सी ने डी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की। जब कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की तो सी का खर्चा डी में भी नहीं जा सकता। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट की किसकी कॉस्ट, डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट। अब बारी किसकी है, डिपार्टमेंट डी की, यानी अब एडवांस अकाउंटिंग वाले सर की बारी है। अब आपने जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सर को आपने ट्रीट दे दी, अब आपने बोला छोड़ो यार एडवांस अकाउंटिंग वाले सर को हम ट्रीट नहीं दे रहे, सर तो सारे ऐसे ही होते हैं, बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, एडवांस अकाउंटिंग वाले सर भी छोड़ के भाग जाएंगे। बहरहाल आपने सर को ट्रीट देने की बात नहीं की, एडवांस अकाउंटिंग वाले सर ने आप लोग ऐसे बोला अच्छा तुम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग वाले टीचर को ट्रीट दे दी, मुझे नहीं दे रहे। अब आप लोग बेचारे बच्चे तो हैं, मासूम तो है, हालांकि मासूम है नहीं लेकिन फिर भी मासूम है। आपने कहा सर ठीक है आप भी ट्रीट दे रहे हैं, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, तो हम आपको भी ट्रीट देने के लिए तैयार हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करके हम ट्रीट देते हैं। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कंट्रीब्यूट कर लीजिएगा आप लोग। तो उसके बाद आप लोग सर को लेकर गए एडवांस अकाउंटिंग वाले सर को, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले टीचर ने पहले ही उनको ये बता दिया था कि भाई देखो मैं भी बिना पैसे दिए उड़ गया था, तो तुम भी जो खाना बिल आने से पहले ही बस चुपके से उड़े आना, ऐसा ना हो कि बिल आने के बाद वो तुम्हें बोलेगा सर आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर दें, तो तुम इखलाकन तुम्हें देने पड़ जाएंगे, तो तुम बिल आने से पहले ही उड़ जाना। एडवांस अकाउंटिंग वाले टीचर ने कहा ठीक है ओके डन हो गया। तो अब आप लोगों ने एडवांस अकाउंटिंग वाले टीचर को खाना खिलाया, दावत दी। अब देखिए मैं ऊपर के हेडिंग डाल रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी, यानी अब मैं डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट को क्या करने जा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। जो भी बिल आया वो बिल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो बिल आपने कहा कि सर देखिए पिछली बार हमें बड़ा नुकसान हो गया था, मतलब दिल में सोचा, गर्ल्स बॉयज ने आपस में सोचा कि पिछली बार हमें बड़ा नुकसान हो गया था, तो अब गर्ल्स जो नुकसान बर्दाश्त करेंगी वो 20% बर्दाश्त करेंगी, बॉयज नुकसान कितने परसेंट बर्दाश्त करेंगे, 30% बर्दाश्त करेंगे, यानी डिपार्टमेंट ए 20% नुकसान बर्दाश्त करेगा, डिपार्टमेंट बी 30% नुकसान बर्दाश्त करेगा, और सर खुद कितना नुकसान बर्दाश्त करेंगे, सर 50% नुकसान बर्दाश्त करेंगे, ये आपने कहा उनसे। तो मतलब आपने सर से निकाला या आपस में गर्ल्स और बॉयज ने डिसाइड किया कि हम सर के जिम्मे पे 50% नुकसान डाल देंगे, सर आप बड़े हैं आपने बड़ा अच्छा पढ़ाया तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आप निभाइएगा। तो बहरहाल अब जब खाना खा ले तो बिल आने से पहले ही सर क्या हो गया, उड़ गए, और सर ने भी वही तारीखी जुमला दोहराया जो कॉस्ट अकाउंटिंग के सर ने दोहराया था कि बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ और सबसे अच्छा बैच रहा आपका, और मेरी दुआ है कि आप लोग जो है फ्यूचर में कामयाब रहे, और ये कहकर जो है वो सर निकल लिए। अब जो सर का खर्चा था वो कौन बर्दाश्त करेगा, अब वो गर्ल्स और बॉयज़ आपस में बर्दाश्त करेंगे। गर्ल्स और बॉयज़ अपना बिल तो बर्दाश्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा एडवांस अकाउंटिंग के सर का जो खर्चा बनता था खाने का, वो खर्चा भी वो क्या करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। डिसाइड क्या हुआ था, गर्ल्स कितना परसेंट खर्चा बर्दाश्त करेंगे, गर्ल्स 20%, यानी डिपार्टमेंट ए 20% खर्चा बर्दाश्त करेगा, जबकि डिपार्टमेंट बी जो है वो 30% खर्चा बर्दाश्त करेगा। तो आइए जरा मैं डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, यानी एडवांस अकाउंटिंग वाले सर की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में। डिपार्टमेंट ए का मतलब है गर्ल्स में। देखिए डिपार्टमेंट डी का जो खर्चा है वो टोटल खर्चा कितना बनता है, 1,20,000 रुपए, यानी एडवांस अकाउंटिंग वाले सर के हिस्से में जो बिल आता है वो कितना बिल आया, 1,20,000 रुपए का बिल आया। अब जो 1,20,000 रुपए का बिल आया वो आप गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, गर्ल्स में कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी थी, 20%। अब बात फिर वही है कि 20% तो सर आपको मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 करना चाहिए था। तो देखिए फिर मेरी वही बात है कि आप डिस्ट्रीब्यूट किस में कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ए की परसेंटेज कितनी है, 20, डिपार्टमेंट बी की परसेंटेज कितनी है, 30। तो 20 और 30 को अगर आप मिला तो सम कितना बनता है इनका, 50 बनता है। तो आप डिवाइड भी किससे करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे। ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जितने डिपार्टमेंट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन्हीं की परसेंटेज या उन्हीं के रेशियो का सम से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर परसेंटेज का सम 100 बनता है तो बेशक आप 100 से डिवाइड कीजिए, लेकिन अगर परसेंटेज का सम 100 नहीं बनता तो जितना सम बनता है आप उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आप दो डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक में 20 और एक में 30, तो सम कितना बनता है इसका, 50। तो डिवाइड भी किससे करेंगे आप इसे, 50 से। तो गर्ल्स के हिस्से में खर्चा कितना आता है, 48,000 रुपीज। इसी तरीके से बॉयज के समय डिपार्टमेंट बी का जो खर्चा आता है, सर का खर्चा था 1,20,000 रुपए का, बॉयज कितना बर्दाश्त करेंगे, 30%, तो मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 50, तो बॉयज खर्चा बर्दाश्त करते हैं 72,000 रुपीज का। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिपार्टमेंट डी का खर्चा जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट ए में, तो डिपार्टमेंट ए में कितना खर्चा जाएगा, 48,000, डिपार्टमेंट बी में कितना खर्चा जाएगा, 72,000,
और डिपार्टमेंट डी ने डिपार्टमेंट सी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, यानी एडवांस अकाउंटिंग वाले सर ने कॉस्ट अकाउंटिंग वाले सर को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, यानी उनका बिल उनके नाम पर नहीं आया क्योंकि दोनों अलग अलग गए थे, तो इसीलिए डिपार्टमेंट डी का खर्चा डिपार्टमेंट सी में नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई खर्चा नहीं आएगा। अब डिपार्टमेंट डी का जो बिल था 1,20,000 रुपए का, यानी एडवांस अकाउंटिंग के सर के ऊपर जो बिल था 1,20,000 रुपए, अब वो बिल अगर गर्ल्स और बॉयज ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो उनके सर से वो बिल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ये एडवांस अकाउंट जो डिपार्टमेंट डी का जो खर्चा था वो खर्चा डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी ने बर्दाश्त कर लिया, उसे खर्चे को आपने डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिपार्टमेंट बी का खर्चा आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म करने के लिए आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1,20,000 रुपए। इसके बाद आप नीचे एक लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद आप इसका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। अब जब आप टोटल करेंगे तो पहले तो मैं टोटल के कॉलम में टोटल लिख रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। डिपार्टमेंट ए का देखिए अपना जो खुद का जाती खर्चा था वो कितना था, 3,60,000 रुपीज। इसके अलावा डिपार्टमेंट सी से इसके पास कितना खर्चा आया, 1,08,900 रुपए, और डिपार्टमेंट डी से इसके पास कितना खर्चा आया, 48,000। इस हिसाब से डिपार्टमेंट ए का अब जो टोटल खर्चा बनता है वो कितना बनता है, 5,16,900 रुपीज। इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी का अपना खर्चा कितना था, 4,80,000 रुपीज। डिपार्टमेंट सी की तरफ से कितना खर्चा आया इसके पास, 1,08,900 रुपए का, और डिपार्टमेंट डी की तरफ से कितना खर्चा आया इसके पास, 72,000 रुपीज का। इस हिसाब से डिपार्टमेंट बी का खर्चा कितना बनता है, 6,60,900 रुपीज। डिपार्टमेंट सी का अपना खर्चा था 2,17,800, डिपार्टमेंट सी ने अपना खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी में, तो अब डिपार्टमेंट सी का कोई खर्चा नहीं बचता, डिपार्टमेंट सी का खर्चा हो गया नील। इसी तरीके से डिपार्टमेंट डी का खर्चा भी क्या हो गया, नील। यही हमारा मकसद था कि डिपार्टमेंट सी और डी, यानी जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है, उनके खर्चों को निकालकर आप कहां पर शामिल कर दीजिए, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में शामिल कर दीजिए, और हमने वही काम यहां पर किया है। तो उसके मुताबिक देखिए, अब जो डिपार्टमेंट ए का टोटल खर्चा बनता है वो कितना बनता है, 5,16,900 रुपीज, जबकि डिपार्टमेंट बी का टोटल खर्चा कितना बनता है, 6,60,900 रुपीज, और जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद ये कितना बन जाएगा, 11,77,800 रुपीज। सर ये क्या बात हुई, जब चार डिपार्टमेंट का खर्चा है तब भी टोटल यही बन रहा था, और जब दो डिपार्टमेंट का खर्चा है तब भी टोटल इतना ही बन रहा है, ये क्या जादू किया आपने? भाई देखिए, जादू नहीं किया, जादू सिर्फ ये हुआ कि जो चार डिपार्टमेंट का खर्चा था उसी खर्चे को हमने दो डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। खर्चा अभी भी उतना ही है, बस पहले चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बस बात सिर्फ इतनी है। तो खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ लोगों पे फर्क पड़ा, यानी डिपार्टमेंट्स पे सिर्फ फर्क पड़ा। तो ये हमने आज इसका पहला सवाल डिस्कस किया, बस इसी कैलकुलेशन इतनी सी ही होती है, इतना छोटा सा ये सवाल होता है और ये 20 नंबर का सवाल होता है। तो ये सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आपके जहन में इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट हो जो कि आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।